एक आदमी की पत्नी खो गई मेला में, सो उसको किसी ने बताया कि जाओ किसी मंदिर में जाके कुछ चढ़ावा चढ़ाओ, काम बनेगा। राम जी का मंदिर था, चला गया। उस जमाने में 200 रुपया और लड्डू ले जाकर के रख दिया, पुजारी वहां अलग थे, और उस ठीक उसके सामने हनुमान जी का मंदिर था, और दोनों एक ही में मंदिर था, जहां राम जी का मंदिर तो हनुमान जी का भी होता है। संकट मोचन गए हो वाराणसी में, सामने राम जी हैं, इधर हनुमान जी। अब पुजारी दोनों के अलग अलग थे, भगवान एक हो तो क्या हो, पुजारी एक होने दो तब ना। पुजारी दोनों के अलग थे, वहां लेके गया, बोला हमारा ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है ऐसा है ऐसा वैसा है ऐसा। तो पीछे से इधर ये हनुमान जी वाला जो पुजारी है कह रहा है, कहां बैठा है जो अपना वाला खुद नहीं खो जाए, उन्हीं के पास बैठे हुए। सामने जब देख रहा है कि कौन है यहां, यही खोजे थे वो, तो हे खग हे मृग करते चल रहे थे, कोई साथ नहीं दे रहा था। जामुन कह रहे तो हम तो बस 90 जाएंगे, अंगद कह रहा हम जाएंगे पर आएंगे नहीं, यही थे एकमात्र जो ले आए। ऐसा कन्विंस किया पुजारी ने कि थाली उठा के चला गया हनुमान जी की तरफ, बोला हो गया बहुत, राम जी का बात सही है भाई, हम लॉजिकल आदमी हैं, बताइए खुद नहीं खोज पाए थे इनका। और मस्त चढ़वाया अपना चढ़ावा, और दोनों पुजारी में फिर बोला हमारा ग्राहक भड़काता है, कलयुगी नहीं तो हनुमान जी और राम जी का संबंध कैसा है देखो, स्वयं प्रभु अपने आप को प्रभु कह रहे लोग और अपने दास को महाप्रभु कह रहे। रामचंद्र के काज संवारे, दुनिया में ऐसा कोई माई का लाल है जो राम जी का काज संवार दे, बताओ। सारी दुनिया राम जी के मंदिर के आगे पड़ी है, हमारा काज संवार दो। और एक माई अंजनी माई का लाल ऐसा बैठा हुआ है जो रामचंद्र के काज संवार रहा है, वो भी मैया होगी, अंजनी मैया, गर्व होगा अपने पुत्र पर। अंजनी मैया ने हनुमान जी को कान में जाते समय कह दिया था, जर सुन, राम जी की सेवा में जा रहा है, भूल के अगर दोबारा मेरे पास आया तो ठीक नहीं होगा, मैं नाराज है क्या? बोला नाराज नहीं हूं, एक मिनट के लिए भी अगर टाइम बर्बाद किया मेरे पास आकर प्रभु को छोड़कर तो तू मेरे गर्व से जन्मा हुआ नहीं होगा। ये अंजनी माँ ने वरदान लिया था हनुमान जी, कोई मिलेगी ऐसी मैया लक्ष्मण जी की, लखन लाल की मैया जो है, क्या नाम है, सुमित्रा। जब गए लक्ष्मण भगवान से, गए हम जाएंगे आपके साथ जाएंगे आपके साथ जाएंगे, अरे बोला भाई देख एक बार अपनी माता से पूछ के आ जा, जाके कब से पहले तो मना किया, बोला माता से पूछ ले, और पूछने गए तो मैया ने पकड़ लिया लक्ष्मण को, बोला तूने हमारे दूध को लजवा दिया, हमारी दूध की लज्जा हो गई, अरे तू मुझसे पूछने आ गया इसी में लज्जा हो गई मेरे दूध की, जब रघुनाथ ने तुमसे पूछा कि जाकर अपनी मैया से पूछ लो तो वैदेही कहां थी, बोला जानकी वहीं खड़ी थी, अरे उन्हीं के चरणों में गिर करके पूछ लेता क्योंकि वही तेरी सच्ची मां है, तो यहां तक क्यों आया, मेरे दूध को लज्जा क्यों दिलवाया, क्यों दूध को लज्जा दिलवाया, अब बताओ ये कैसी मैया है। मैया हो तुम लोग भी तो मैया बनने की थोड़ी चेष्टा भी तो करो, इसे गोद में पुचरू रख करके पुछु, 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 पुछु। और फिर जीवन भर रोते ही रहते हो बाबाओं के पास, गुरु के पास, महात्माओं के पास, संतों के पास, यहां वहां पीर फकीर औलिया पता नहीं कहां कहां दौड़ते रहते, अकारण बेकारण। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे प्रेम में है। इतना छोटा बालक जब जन्म ले तो उसको ठाकुर जी का विग्रह दिखाएं, हनुमान जी का विग्रह दिखाएं, गुरु के ग्रंथ को हाथ में पकड़ाएं, उसी प्रकार से उसका लालन पालन करें, छोटी छोटी कथाएं जब सुनने लायक हो जाए, तुझे पता है गुटू प्रहलाद, एक छोटा सा प्रहलाद था, हम क्या करते हैं, देखो 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 कौन है, मौसी लगेगी फांसी, मौसी पहचनवा रहे हैं, बुआ पहचनवा रहे हैं। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, लेके बैठ गई थी जलने के लिए, खुद अपने चादर ओढ़ ली फायर ब्रिगेड की, और प्रहलाद को लेके बैठ गई कि प्रहलाद जल जाएगा,
सुबह सुबह आया होलिका को देखने के लिए, तो देखा पूरा जला हुआ। हिरण्यकश्यप को खुश हो गया, काम हो गया, गया नालायक। तब तक देखा छोटा सा बालक, पिताजी प्रणाम। बोला तू, बुआ कहां गई? बोला बुआ तो रात में ही धुआं हो गई। अरे कमाल है, मैंने तुझे जलाने के लिए लगाया था, बुआ धुआं हो गई। बोला जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ये अग्नि कौन है? अग्नि की हिम्मत है कि प्रभु की आज्ञा के बिना प्रहलाद को जला दे? वरुण की हिम्मत है कि किसी को डुबा दे? और सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है, वो भी कुछ नहीं कर सकते हनुमान जी का नाम सुनते। बाल समय रवि, अभी भी लाल निकलते तो हैं पर एक ही मिनट में फिर पीला हो जाते हैं, उनको याद आता है कि कहीं यहां न जावे। बताओ महाराज, सूरज को फल समझ के खाने चले गए। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हो लोक भयो अंधियार। लोग जानते हैं कि इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वज्र चूर चूर हो गया था। हनुमान जी के एक दाढ़ी में, ठुड्डी में वज्र लगा और वज्र इंद्र का चूर चूर हो गया, इसलिए उनका नाम हो गया बजरंग बली, जिसको आप कहते हैं बजरंग बली।